जैसे कि हम बात कर रहे थे फाइटिंग चांस के बारे में, इस फाइटिंग चांस में हमें मूव कैसे करना है, एक फाइट में हमें मूव करना होता है। तो अब हम इस फाइटिंग चांस में मूव कैसे करें, आगे पीछे लेफ्ट राइट कैसे जाएं हम लोग। तो जब हम इस चांस में है, जैसे कि मैंने कहा था हमारा जो वेट बैलेंस्ड है, जब हम आगे जाएंगे तो हमारा जो आगे वाला पैर है वो पहले मूव करेगा और फिर पीछे वाला उसको फॉलो करेगा। जब हमें पीछे जाना है तो पीछे वाला पहले मूव करेगा फिर आगे वाला फॉलो करेगा। जो हमारे पैरों का डिस्टेंस है, अगर आप देखेंगे जो हमारे पैरों का डिस्टेंस है वो हमेशा सेम रहता है। हमारा पैरों का डिस्टेंस हमेशा सेम रहेगा, जितना मैंने आगे मूव किया उतना ही, जो मेरा अभी स्टांस है जितना अभी डिस्टेंस है उतना ही मूवमेंट के बाद भी रहेगा, उतना ही हमेशा मूवमेंट के बाद रहेगा। अगर मुझे लेफ्ट से राइट मूव करना है तो सेम चीज, मैं लेफ्ट से राइट भी सेम वे में मूव करता हूँ। अब हमें आगे मूव करना है, पीछे जाना है, लेफ्ट जाना है, राइट जाना है। अगर आप देखेंगे मेरा गार्ड हमेशा ऊपर रहेगा, अपर बॉडी कभी प्रोजेक्शन नहीं देगी, नीचे वाली बॉडी क्या कर रही है, अपर बॉडी स्ट्रेट रहेगी, उसको फर्क नहीं पड़ता कि लोअर बॉडी क्या कर रही है। हम जब भी मूव करेंगे हम ऐसे मूव करेंगे, इससे आपका वेट हमेशा बैलेंस रहेगा। क्योंकि अगर मैंने नॉर्मली चलने की कोशिश की, बहुत सारे चांस है कि फाइट में आप ट्रिप करके गिर सकते हो या फिसल के गिर सकते हो, इससे आपका वेट हमेशा ही बैलेंस रहेगा, इससे आप कभी गिरेंगे नहीं नीचे।